नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। मनसे ने मांगा प्रसून जोशी का इस्तीफा, मोदी वाइफ को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आरोप। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने CPFC चेयरमैन प्रसून जोशी से इस्तीफे की मांग की है। मनसे का आरोप है कि प्रसून जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मनसे का आरोप है कि सेंसर बोर्ड ने नीमो से इतर जाकर इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। आसिफ की धुलाई करने के बाद बोले आंद्रे रसेल, मेरे लिए कोई मैदान बड़ा नहीं है। IPL 12 में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत में स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की अहम भूमिका रही। रसेल की 13 गेंदों में 48 रन की पारी की बदौलत ही KKR ये मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। नोटबंदी के प्रचार के लिए मोदी ने मां को भी लाइन में लगाया, शत्रुघ्न के भाषण की बड़ी बात। बीते कई दिनों से बीजेपी नेतृत्व से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार शनिवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के इस पूर्व नेता ने PM मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के प्रचार के लिए अपनी माता को भी लाइन में लगवा दिया था। प्रियंका गांधी का PM पर हमला, कहा किसी गरीब के गले क्यों नहीं लगते मोदी। कांग्रेस के उम्मीदवार डाली शर्मा के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। उन्होंने इसकी शुरुआत घंटाघर से की। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने PM मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि PM मोदी दुनिया भर घूम आए हैं, जापान गए वहां गले लगे, पाकिस्तान गए वहां बिरयानी खाए, चीन गए वहां गले लगे, लेकिन वाराणसी में उन्हें किसी गरीब परिवार से गले लगते नहीं देखा गया। दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में भी होगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सरगर्मी चरम पर है। देश भर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के मद्देनजर दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनती दिख रही है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।